अगर आप एक किसान हैं और आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता है, लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता है कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि की कुल कितनी किस्त मिल चुकी है, आपको कुल कितना पैसा मिल चुका है, लेकिन जब भी आप पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल पर आकर के अपने पीएम किसान सम्मान निधि का हिस्ट्री चेक करते हैं तो फ्रेंड्स वहाँ पर आपको एरर होता है। तो मैं आपको लाइव प्रश्न दिखाऊँगा कि वो एरर कैसा होता है और आप उस एरर को बहुत ही आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको इस पेज पर आना होगा। इस पेज का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा या स्टेटस चेक करने के लिए फ्रेंड्स आप जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको इसके सारे ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होगा नो योर स्टेटस। फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस होगा। फ्रेंड्स आप तरीके से नीचे आएंगे, आने के बाद आपके सामने इसके ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होगा इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। फ्रेंड्स ये आपके पीएम किसान पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद जो भी कैप्चा आपको हो रहा है वो आप कैप्चा कोड वाले कॉलम फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे गेट ओटीपी पर। लेकिन यदि आपको पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्टर नंबर पता नहीं है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होगा नो योर रजिस्टर नंबर, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आगे ले आएगा, आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। इस इंटरफेस पर आने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन होंगे मोबाइल नंबर और आधार नंबर। तो फ्रेंड्स जो भी मोबाइल नंबर आपने पीएम किसान पोर्टल पर पीएम किसान का ई केवाईसी कराते समय दिया है वही मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आप कैप्चा फिल करेंगे और आप क्लिक करेंगे गेट मोबाइल ओटीपी पर। यदि आप मोबाइल नंबर से चेक नहीं करना चाह रहे हैं तो फ्रेंड्स यहां पर आपको एक ऑप्शन होगा आधार नंबर, आप इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद जो भी आपका आधार नंबर है वो आप आधार नंबर वाले कॉलम फिल करेंगे। नंबर फिल करने के बाद जो भी कैप्चा कोड आपको सो रहा है वो आप कैप्चा कोड वाले कॉलम फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे गेट मोबाइल ओटीपी पर। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने आपको एरर होगा यू हैव नॉट कम्प्लीट ई केवाईसी, प्लीज कम्प्लीट द ई केवाईसी प्रोसेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी आधार नंबर मैंने फिल किया है जिसके साथ ये एरर होता है उस आधार नंबर का केवाईसी पहले से ही किया हुआ है। फ्रेंड्स जो भी आपका आधार नंबर है आप ई केवाईसी के लिए फिल करेंगे, जैसे ही फ्रेंड्स सबमिट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको होगा ई केवाईसी इज ऑलरेडी डन। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इस एरर को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसका नाम है पीएम किसान। तो फ्रेंड्स उसके लिए आप चलेंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको उसे इंस्टॉल करना है। तो आप इंस्टॉल कर लेंगे तो फ्रेंड्स आपके सामने यहां पर ओपन का ऑप्शन होगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी इसका टर्म्स एंड कंडीशन है वो फ्रेंड्स आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। इंटरफेस पर आने के बाद यहाँ पर आपको नया किसान पंजीकरण और लॉगिन का ऑप्शन होगा, तो फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे लॉगिन पर। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा, यहाँ पर आपको लॉगिन टाइप्स होगा, तो आप क्लिक करेंगे सेलेक्ट पर। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इसके सारे ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होगा बेनिफिशरी, फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन दो प्रकार से करना है, रजिस्ट्रेशन आईडी और आधार नंबर। हमें अपना आईडी पता नहीं है तो फ्रेंड्स आप आधार नंबर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका आधार नंबर है आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे गेट ओटीपी पर। जैसे फ्रेंड्स आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। वो ओटीपी आपको इंटर ओटीपी वाले कॉलम फिल करना है। फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे लॉगिन पर। जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। इंटरफेस पर आने के बाद यहाँ पर आपको अपने अकाउंट का एक एम पिन क्रिएट करना है, वो 6 डिजिट का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप फर्स्ट कॉलम फिल करेंगे, फिर वही एम पिन आपको नीचे वाले कॉलम फिल करनी है। फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे सबमिट पर। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको होगा एम पिन जनरेटेड सक्सेसफुली। फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे ओके पर। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से ऐसा इंटरफेस होगा डैशबोर्ड और लॉगआउट। फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे डैशबोर्ड पर। जब आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी आपका अकाउंट है उसकी सारी जानकारी आपको होगी। यहाँ पर आपका जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपको होगा, कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है वो होगा, यहाँ पर जो भी किसान का एड्रेस है वो भी यहाँ पर आपको होगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आप सकते हैं जो भी आप पीएम किसान का स्टेटस देखना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको होगा। आप सकते हैं यहाँ पर जो भी आपका स्टेटस है सारा आपको होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ आला नीचे बेनिफिट स्टेटस आप उसे क्लिक करके ये भी देख सकते हैं कि आपको कुल कितनी किस्त मिल चुकी है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर बहुत कम आपको होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप फिर से चलाएंगे अपने होम पेज पर। आने के बाद फ्रेंड्स आप इस तरीके से फिर नीचे आएंगे, आने के बाद यहाँ पर आपको फिर से
नो योर स्टेटस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको अगले आएगा, आप नीचे आएंगे। आने के बाद जो भी आप क्वेश्चन आईडी आपने वहाँ से देखा है, रिसीव किया, वो आप यहाँ फिल करेंगे। फिल करने के बाद जो भी कैप्चर कोड आपको सो रहा है वो आप यहाँ फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे गेट ओटीपी पर। जैसे फ्रेंड्स आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर फिर से ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आपको अगले स्टेप में फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे गेट डाटा पर। ओटीपी फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे गेट डाटा पर। जैसे फ्रेंड्स आप उस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको आगे ले आएगा और आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पर जो भी किसान है उनकी सारी जानकारी आपको यहाँ पे शो होगी। आप सोचते हैं यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपको मिलेंगे होंगे सारे आपको शो होंगे। साथ साथ यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होगा एलिजिबिलिटी स्टेटस, तो फ्रेंड्स आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यदि यहाँ पर आपके पीएम किसान अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर आपको शो होगी। यदि फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ई केवाईसी नहीं होगा तो यहाँ पर आपको नो शो होगा। यदि आपका लैंड सीडिंग नो होगा, यदि आपका लैंड सीडिंग नहीं होगा तो यहाँ पर आपको नो शो होगा। यदि आपका बैंक में आधार सीडिंग नहीं होगा तो यहाँ पर आपको नो शो होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर आप अपने अकाउंट का जो भी स्टेटस है चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको नीचे जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं आपको शो होंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो भी आपके पीएम किसान पोर्टल पर ई केवाईसी का आपको प्रॉब्लम शो होता है और आपका ई केवाईसी हो चुका है तो आप अपने अकाउंट में इस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, अपना रजिस्टर नंबर निकाल सकते हैं और बहुत ही आसानी से जो भी आपका स्टेटस है आप चेक कर सकते हैं कि आपको कुल कितनी किस्त मिली है, जो भी आपका स्टेटस है वो आपका सही है नहीं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की जानकारी। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।